इस्राइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम किया और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा और मुझी से डरो। इस आयत में इस्राइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था। यहूद को बनू इस्राइल कहा जाता है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जिनसे यहूद के 12 कबीले बने और इनमें बाकसरत अनबिया और रुसल हुए। यहूद को अरब में इसकी गुज़श्ता तारीख और इल्म व मज़हब से वाबस्तगी की वजह से एक ख़ास मुकाम हासिल था, इसलिए इन्हें गुज़श्ता इनामात इलाही याद करा के कहा जा रहा है कि तुम मेरा वो अहद पूरा करो जो तुमसे नबी आखिरुल ज़मा की नबूवत और इन पर ईमान लाने की बाबत लिया गया था। अगर तुम इस अहद को पूरा करोगे तो मैं भी अपना अहद पूरा करूँगा, तुमसे वो बोझ उतार दिए जाएंगे जो तुम्हारी गलतियों और कुताहियों की वजह से बतौर सज़ा तुम पर लाद दिए गए थे और तुम्हें दोबारा उरूज अता किया जाएगा। और मुझी से डरो कि मैं तुम्हें मुसलसल इस जिल्लत में मुबतला कर सकता हूँ जिसमें तुम भी मुबतला हो और तुम्हारे आबाओ अजदाद भी मुबतला रहे। ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है और इसके साथ तुम ही पहले काफिर ना बनो। मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर ना फरोख्त करो और मुझी से डरो। इस आयत में बिही की ज़मीर कुरान की तरफ या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। दोनों ही कौल सही हैं क्योंकि दोनों आपस में लाजिम हैं। जिसने कुरान के साथ कुफर किया इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर किया और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर किया इसने कुरान के साथ कुफर किया। पहले काफिर ना बनो का मतलब है कि एक तो तुम्हें जो इल्म है दूसरे इससे महरूम है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। दूसरा, मदीने में यहूद को सबसे पहले दावत ईमान दी गई, वरना हिजरत से पहले बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे, इसलिए इन्हें तनबीह की जा रही है कि यहूदियों में तुम अवलीन काफिर मत बनो। अगर ऐसा करोगे तो तमाम यहूदियों के कुफर का वबाल तुम पर पड़ जाएगा। थोड़ी कीमत पर फरोख ना करो का ये मतलब नहीं कि ज़्यादा मार्जा मिल जाए तो अहकाम इलाही का सौदा कर लो, बल्कि मतलब ये है कि अहकाम इलाही के मुकाबले में दुनियावी मफादात को अहमियत ना दो। अहकाम इलाही तो इतने कीमती हैं कि सारी दुनिया का मालो मता भी इसके मुकाबले में हेच और सबने कलील है। आयत में असल मुखातिब अगरचे बनी इसराइल है, लेकिन यह हुक्म क्यामत तक आने वालों के लिए है। हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो और ना हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है। और नमाज को कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सकूं
भलाई का हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, बावजूद ये कि तुम किताब पढ़ते हो, क्या इतनी भी तुम में समझ नहीं? सबर और नमाज के साथ मदद तलब करो, ये चीज शाख है मगर डर रखने वालों पर। सबर और नमाज हर अल्लाह वाले के दो बड़े हथियार हैं। नमाज के ज़रिए से एक मोमिन का राबता और ताल्लुक अल्लाह ताला से इस्तवार होता है, जिससे इसे अल्लाह की ताईद और नुसरत हासिल होती है। सबर के ज़रिए से किरदार की पुख्तगी और दीन में इस्तकामत हासिल होती है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज का अहतमाम करते। नमाज की पाबंदी आम लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन खुशू और खुजू करने वालों के लिए नहीं बल्कि इत्मीनान और राहत का बाइस है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो क़्यामत पर पूरा यकीन रखते हैं। गोया क़्यामत पर यकीन अमाल खैर को आसान कर देता है और आखिरत से बेफिक्री इंसान को बेअमल बल्कि बदअमल बना देती है। मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। डरते रहो जब कोई किसी को नफा ना दे सकेगा और ना ही उसकी बाबत कोई सिफारिश कबूल होगी, ना कोई बदला इसके एवज लिया जाएगा और ना मदद किए जाएंगे। यहाँ से दोबारा बनी इसराइल को वो इनामात याद कराए जा रहे हैं जो इन पर किए गए और उनको क्यामत के दिन से डराया जा रहा है, जिस दिन ना कोई किसी के काम आएगा, ना सिफारिश कबूल होगी, ना मुआवजा देकर छुटकारा हो सकेगा, ना कोई मददगार आएगा। यहाँ पर एक इनाम ये भी बयान फरमाया कि इनको तमाम जहानों पर फजीलत दी गई, यानी उम्मत मुहम्मदिया से पहले अफजलुल आलमीन होने की ये फजीलत बनू इसराइल को हासिल थी, जो उन्होंने मासियत इलाही का इर्तकाब करके गवा ली और उम्मत मुहम्मदिया को खैरु उम्मा के लकब से नवाजा गया। इसमें इस अमर पर तनबीह है कि इनामात इलाही किसी खास नस्ल के साथ वाबस्ता नहीं बल्कि ये ईमान और अमल की बुनियाद पर मिलते हैं और ईमान और अमल से महरूमी पर सल्क कर लिए जाते हैं। यहूद को ये भी धोखा था कि हम तो अल्लाह के महबूब और चहीते हैं, इसलिए मुआवजा आखरत से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वहाँ पर अल्लाह के नाफरमानों को कोई सहारा नहीं दे सकेगा।